हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अपना फोटो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा रखा है, अपने व्हाट्सएप चैट्स के बैकग्राउंड में, और ये 100% वर्किंग है। आप देख सकते हो, जैसे ही मैं अपने फोन को यहाँ पर मिनिमाइज करता हूँ तो यहाँ से बिल्कुल हट जाता है बैकग्राउंड, और जैसे ही मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में मेरा इमेज देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम आप भी अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है सब इस वीडियो में समझाने वाला हूं, तो बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से आप अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अपना फोटो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो मेरे व्हाट्सएप में कोई भी बैकग्राउंड में फोटो नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल व्हाट्सएप है। जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप नॉर्मल है, उसी तरीके से यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप अभी नॉर्मल हो रखा है, कोई भी फोटो यहाँ पर नहीं लगा है। तो फोटो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाली एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हैं इंस्टॉल, ठीक है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो इसको करने के बाद, आपको इंस्टॉल करने के बाद करना है अपने मोबाइल के अंदर ओपन, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन पर आना है, ठीक है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे आओगे, मॉकअप वाले पे, तो यहाँ पर आपको एक परमिशन ऊपर दिखेगी, तो सिंपली आपको इस वाली परमिशन को करना है अलाउ। अलाउ करने के बाद जैसे आप इस परमिशन को अलाउ करोगे तो देन आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको एक परमिशन देखने को मिलेगी, ड्रॉ ऑन स्क्रीन परमिशन। इसको आपको क्लिक करके यहाँ से कन्फर्म करना है। जैसे आप कन्फर्म करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल टूल प्रो में जाना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करके बैक आओगे तो फिर आपके फ़ोन में यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेलेक्टेड ऐप, किस ऐप पे आपको अपना फोटो अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको उस एप्लीकेशन को सर्च करना है, जैसे मुझे व्हाट्सअप पे करना है, व्हाट्सअप सर्च करके यहाँ से इसको ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करके सीधे आपको फिर बैक करके इसके होम स्क्रीन वाले पेज पे आना है, ठीक है, मॉकअप ओवर डे वाले पे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो का, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो आपको पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से अलाउ करना है। जैसे आप अलाउ करोगे तो आप डायरेक्ट अपनी गैलरी में पहुंच जाओगे। गैलरी में जो फोटो आपको अपने बैकग्राउंड में लगाना है व्हाट्सअप के, वो फोटो आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कोई भी फोटो हो गया, इस फोटो को आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको इतना छोड़ देना है करके, फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप में जाओगे तो आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर इमेज देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, ये 100% वर्किंग इमेज है, जैसे मैंने किया है सेम टू सेम आपको करना है। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा पाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इस तरीके की वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।